हेलो माय डियर फ्रेंड, आज के समय में हर युवा के लिए सरकारी नौकरी चाहिए होती है और उन्हीं में से कुछ युवक ऐसे होते हैं जो डीएसपी यानी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की पावरफुल नौकरी को पाना चाहते हैं, साथ ही में रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टेड जॉब को पाना चाहते हैं। सो गाइस, इसी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया गया है ताकि आपको बेहतर और सटीक जानकारी मिल सके रिलेटेड टू डीएसपी। इस वीडियो में हम सभी पॉइंट को कवर करने वाले हैं, जैसे कि डीएसपी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाउ टू बिकम डीएसपी, डीएसपी कैसे बने, एलिजिबिलिटी फॉर डीएसपी, डीएसपी बनने के लिए क्या करना होता है, प्रिपरेशन यानी कि डीएसपी की प्रिपरेशन हम कैसे करें, सैलरी क्या होती है डीएसपी की, और लास्ट में बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ डीएसपी यानी डीएसपी को किस किस तरह के लाभ दिए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, इफ यू रियली वांट टू डीएसपी ऑफिसर देन यू मस्ट वीडियो वॉच टिल एंड, अदरवाइज इट्स डिपेंड योर चॉइस। लेट स्टार्ट वीडियो। टुडेज वीडियो टाइटल, हाउ टू बिकम डीएसपी ऑफिसर। सबसे पहले जानते हैं डीएसपी क्या होता है। डीएसपी यानी डिप्टी सुपरिटेंडेंट, जिसको हम हिंदी में उप अधीक्षक बोलते हैं, यह पुलिस विभाग में एक अधिकारी का रैंक होता है। इसकी परीक्षा का आयोजन राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कराया जाता है। डीएसपी ऑफिसर राज्य पुलिस का प्रतिनिधि होता है, जो राज्य के पुलिस अधिकारियों को निर्देश देता है। एक डीएसपी अधिकारियों को औचक निरीक्षण करने का अधिकार होता है, यानी वह कहीं भी कभी भी निरीक्षक कर सकते हैं। डीएसपी फुल फॉर्म, डीएसपी का फुल फॉर्म डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, जिसे हम हिंदी में उप पुलिस अधीक्षक बोलते हैं। आइए जानते हैं डीएसपी अधिकारी कैसे बने। दोस्तों, डीएसपी ऑफिसर बनने के लिए दो तरीके होते हैं, एक है प्रमोशन और दूसरा है परीक्षा। यदि आप पुलिस इंस्पेक्टर हैं तो प्रमोशन के जरिए आप डीएसपी बन सकते हैं, या राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कराई जाने वाली डीएसपी एग्जाम को क्लियर करके आप डीएसपी बन सकते हैं। डीएसपी बनने के लिए योग्यता, डीएसपी बनने के लिए जो फर्स्ट योग्यता है वह है ग्रेजुएशन। डीएसपी के लिए वही विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन यानी स्नातक की पढ़ाई की है। मतलब यदि आप डीएसपी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको स्नातक की परीक्षा पास करनी होगी, और यदि आप ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में हैं तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट है एज लिमिट। डीएसपी के लिए उम्मीदवार की आयु 21 से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, और यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को 3 वर्ष की छूट और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाती है। और इनके अलावा डीएसपी बनने के लिए शारीरिक आवश्यकताओं की भी रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे हाइट। डीएसपी के लिए पुरुष उम्मीदवार की न्यूनतम हाइट 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, और वहीं महिला उम्मीदवार की न्यूनतम हाइट 153 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है। वेट, आपका वेट आपकी हाइट के बेसिस पर तय किया जाता है। नेक्स्ट है चेस्ट। चेस्ट होती है वह 14 सेंटीमीटर होती है, और चेस्ट में 5 सेंटीमीटर तक का एक्सपांशन भी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं डीएसपी बनने के लिए क्या क्या करना होगा, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। डीएसपी बनने के लिए आपको डीएसपी सिविल सर्विस एग्जाम को पास करना होगा, जो कि राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। डीएसपी की परीक्षा दो चरणों में विभाजित की गई है, फर्स्ट है प्रारंभिक परीक्षा, सेकंड है मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा या प्रीलिमिनरी एग्जाम, डीएसपी परीक्षा के पहले चरण में अभ्यर्थी को प्रारंभिक परीक्षा पास करनी होती है। यह परीक्षा ऑप्शनल सब्जेक्ट से 150 क्वेश्चन की होती है, और हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स निर्धारित होते हैं, यानी 300 मार्क्स का यह पेपर होता है। मेन एग्जाम या मुख्य परीक्षा, डीएसपी परीक्षा के दूसरे चरण में आपको मुख्य परीक्षा पास करनी होती है, और इस परीक्षा में आप प्रीलिमिनरी एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद शामिल होते हैं। यदि आप इन दोनों चरणों के एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो आपको अगले चरण यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, और यदि आप इसमें भी सफल हो जाते हैं तो आपको डीएसपी पोस्ट के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं डीएसपी एग्जाम की तैयारी कैसे करें। सबसे पहले आपको डीएसपी के सिलेबस को ध्यान में रखकर प्रिपरेशन चालू करनी है, क्योंकि इससे आपको ये पता चल जाता है कि कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना होता है। डीएसपी के पुराने पेपर को सॉल्व करें, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेली करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज को पढ़ें, उन विषय पर ज्यादा ध्यान दें जिनमें आप कमजोर हैं। फिजिकल टेस्ट के लिए 6 महीने पहले से ही तैयारी शुरू कर दें। आत्मविश्वास बढ़ाएं और यह सोचें कि मैं यह कर सकता हूं और मैं यह करूंगा ही। बेहतर गाइडेंस के लिए आप कोचिंग या फ्रेंड्स की मदद ले सकते हैं। सो फाइनली जानते हैं डीएसपी की सैलरी के बारे में। भारत में डीएसपी की सालाना सैलरी 1.8 लाख से लेके 13 लाख के बीच होती है, वहीं एवरेज सैलरी की बात करें तो वह 6 लाख के करीब होती है। इसके अलावा डीएसपी को बहुत सारे बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं, जैसे कि एक डीएसपी अधिकारी को सरकार द्वारा बिना किसी कीमत या किराए पर निवास की सुविधा दी जाती है। सरकार की तरफ से डीएसपी ऑफिसर को सुरक्षा गार्ड और एक घरेलू नौकर भी दिया जाता है। एक आधिकारिक वाहन और उसके साथ ड्राइवर की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है, मुफ्त बिजली, फ्री टेलीफोन कनेक्शन, पेंशन आदि। और इतनी अच्छी सैलरी और फ्री सर्विस के अलावा सोसाइटी में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी मिलती है। सो फ्रेंड्स, मेरी विशेष आपके साथ में है कि आप जरूर डीएसपी बनेंगे। इस वीडियो के लिए लाइक करें और चैनल के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।